भारत माता की। महिलाओं की तरफ से ज्यादा जोर से आवाज आ रही है, जो पुरुष खड़े हैं उनकी नहीं आ रही। भारत माता की। मंच पर उपस्थित मेरे साथी जितने भी एमएलए हैं, राजेश ऋषि जी, राजेश जी, अजेश जी, अखिलेश जी, राखी जी, हमारी छोटी बहन, आरडीएचएस, डीजीएचएस, स्वास्थ्य, अभी छोटी है बहुत, सभी स्वास्थ्य विभाग के सभी, गोयल साहब भी आ गए, हमारे एमएलए साहब, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज यहाँ पर एक पॉलीक्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। इस पॉलीक्लिनिक की खासियत है कि इसको बनाने में, मतलब फैक्ट्री से बन के आया है सब कुछ, और यहाँ पर सिर्फ असेंबल किया गया है। तो दिल्ली सरकार ने जिस तरह से मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट सबको दिखाया था, आज बिल्कुल नई तरह का एक पॉलीक्लिनिक का कॉन्सेप्ट दिखाया है। क्योंकि अक्सर बिल्डिंगें बनाने में सालों लग जाते हैं, ये एयर इंसुलेटेड है बिल्डिंग, है पूरी की पूरी एयर कंडीशन बिल्डिंग है और इंसुलेटेड है, बहुत ही अच्छी बिल्डिंग बनाई गई है। पहले कॉन्सेप्ट जब हमारे सामने आया तब ये था कि भाई इसको बना के देखना चाहिए, तो मैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के पास जगह थी, उनसे जगह हमने लेकर इसको बनाकर दिखा दिया है। अब दिल्ली के अंदर इसी तरह के 150 पॉलीक्लिनिक्स बनाए जाएंगे। इसको आप मिनी हॉस्पिटल कह सकते हैं। पॉलीक्लिनिक से लोगों को समझ नहीं आता कि पॉलीक्लिनिक का मतलब क्या है। मिनी हॉस्पिटल का मतलब है कि यहाँ पर जितने भी स्पेशलिस्ट हैं, सर्जरी के स्पेशलिस्ट हैं, बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, महिलाओं के स्पेशलिस्ट हैं, हड्डियों के स्पेशलिस्ट हैं, सारे स्पेशलिस्ट यहीं पर बैठेंगे। आपके सारे टेस्ट यहीं पर होंगे, सारी दवाइयाँ यहाँ पर मिलेगी। सिर्फ एडमिशन नहीं होगा, आपको अगर एडमिशन की जरूरत पड़ेगी तो आपको भगवान महावीर में या दिल्ली सरकार के किसी अस्पताल में भेजा जाएगा, वरना अस्पताल में जो भी काम होते हैं सारे काम यहीं पर हो जाएंगे, आपको किसी अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह से मेरे जितने भी साथी एमएलए बैठे हैं यहाँ पर, इनकी अक्सर डिमांड होती है कि मेरे एरिया में एक अस्पताल खोल दीजिएगा। देखिए, अस्पताल दिल्ली की सब विधानसभाओं में अलग अलग खोल पाना, उनको चला पाना थोड़ा मुश्किल होता है। अब मैं इन सबसे यही जरूर कहूंगा कि पॉलीक्लिनिक या मिनी हॉस्पिटल, जो मिनी हॉस्पिटल है, ये सबके यहाँ जरूर खोल देंगे जल्द से जल्द। आज सभी अच्छी तरह देख के जाइएगा और सबके यहाँ पर जल्द से जल्द हम खोल देंगे 25 पॉलीक्लिनिक या मिनी हॉस्पिटल। दिल्ली में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और 150 हमने करने हैं, 125 और किए जाएंगे। मोहल्ला क्लिनिक 109 जैसे डीजीएचएस साहब ने बताया था पहले खुल चुके थे, दो दिन पीछे खोले गए, एक दिन 111 हो गए, 49 आज, तो 160 अभी तक 160 मोहल्ला क्लिनिक हो चुके हैं। बजट भाषण में डिप्टी सीएम साहब ने कहा था कि ये डायनेमिक है, हर बारी जब आप गिनती सुनेंगे हर बारी चेंज होगी, क्योंकि जब भी होता है कि पता लगा एक हफ्ता हो गया 4-5 और खुल गए, अगला हफ्ता हुआ पता लगा 4-5 और खुल गए हैं, तो बड़ी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। 1000 का हमने वादा किया था दिल्ली के अंदर, 1000 मोहल्ला क्लिनिक हम खोलेंगे। दिल्ली के सभी नागरिकों का मैं इसलिए धन्यवाद करना चाहूँगा, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बहुत पसंद किया और हमें हिम्मत दी कि मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए पूरी शिद्दत से हम लगे रहे। और अब आपको बताते हैं, खुशी है कि जो नए एलजी साहब आए हैं, 15-20 दिन पहले उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक को पास कर दिया है। पास कराने में हमें 8-9 महीने लगे, पर बनाने में 8-9 महीने नहीं लगेंगे। 1000 मोहल्ला क्लिनिक आने वाले 3-4-5 महीने में हम तैयार कर देंगे। अभी यहाँ पर सुविधा कुंज में आप देख सकते हैं, बहुत ही पास में 1 किलोमीटर देख के जाइएगा, फैक्ट्री से सब कुछ बन के आता है, साइट के ऊपर 1 महीने में सारा काम हो जाता है। तो हम जल्द से जल्द 1000 मोहल्ला क्लिनिक पूरी दिल्ली में खोल देंगे। कुछ काम और 2-4 बताना चाहूँगा, जैसे हमारे हॉस्पिटल्स का रेनोवेशन चल रहा है, भगवान महावीर हॉस्पिटल पास में ही है, 200 बेड का हॉस्पिटल है, इसको हम 800 बेड में कन्वर्ट कर रहे हैं और पूरा का पूरा हॉस्पिटल एयर कंडीशन हॉस्पिटल होगा, दिल्ली के सबसे अच्छे हॉस्पिटल्स में से एक हॉस्पिटल ये होगा। पास में ही सीरसपुर के अंदर हम 600 बेड का एक हॉस्पिटल बना रहे हैं, अजेश जी बैठे हुए हैं सामने, इसलिए कह रहा हूँ कि वो बार बार याद दिलाते हैं कि उनका 600 बेड का हॉस्पिटल सीरसपुर में बनेगा। इसी से मादीपुर में 600 बेड का हॉस्पिटल बनेगा, नांगुले में 600 बेड का हॉस्पिटल बनेगा और गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल 100 बेडेड है, उसको भी 600 बेड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमारी विधानसभा के आसपास, हमारी विधानसभा में अभी 200 बेड का महावीर और 100 बेड का गुरु गोविंद सिंह, साथ में 300 बेड है। अब 300 बेड की जगह यहाँ पर आसपास मिला के कुल मिला के 3000 बेड होने जा रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि लोगों को हमें इलाज कराने के लिए इन्वाइट करना पड़ेगा कि यहाँ पे आइएगा, इलाज करा लीजिएगा। दिल्ली सरकार जितने भी हॉस्पिटल को रेनोवेट कर रही है, सभी हॉस्पिटल एयर कंडीशन किए जा रहे हैं।
और सभी सुविधाएं दी जाएंगी उसके अंदर, जितनी भी सुविधाएं पॉसिबल होती है सारी सुविधाएं हम देंगे। बस एक फर्क होने वाला है, प्राइवेट रूम नहीं होंगे। मंत्री या संतरी सबको एक ही तरह के वार्ड मिलेंगे, एक ही तरह की सर्विस मिलेगी, सबको बराबर सर्विस दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने हेल्थ के अंदर कुछ इनिशिएटिव्स और लिए हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। एक तो आप जो MRI, सिटी स्कैन, पैट स्कैन, मेमोग्राफी, इस तरह के जो रेडियोलॉजी टेस्ट होते हैं, बहुत महंगे महंगे टेस्ट हैं, 10,000 रुपये का टेस्ट, 20,000 रुपये, 4,000 रुपये, वो सारे टेस्ट अगर आप मोहल्ला पॉलीक्लिनिक या हॉस्पिटल, दिल्ली सरकार के 30 हॉस्पिटल हैं, 25 पॉलीक्लिनिक्स हैं, अब वहाँ से अगर डॉक्टर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपको लिखें, तो आप प्राइवेट 21 प्राइवेट डायग्नोस्टिक लैब्स हैं और 48 हॉस्पिटल भी हैं, अब जोड़ दिए हमने उसके बाद, तो यानी 69 जगह पर जाके मुफ्त में सारे टेस्ट करा सकते हैं। जैसे MRI है, MRI कराने के लिए 6,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक लगते हैं। हमारे इलाके में यहीं पर सरस्वती में सरल डायग्नोस्टिक है, गणेश डायग्नोस्टिक है, मैक्स हॉस्पिटल है, 40 हॉस्पिटल है, आप कहीं पर भी जाकर, आपको कोई पैसा नहीं देना है, ये पॉलीक्लिनिक में आइएगा, अगर डॉक्टर साहब ने आपको टेस्ट लिखा है तो सिर्फ वो एक फॉर्म भर के देंगे, आप किसी भी अपनी पसंद के डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाइए, अस्पताल में जाइएगा, फ्री में करा के आइए, आपको कोई पैसा नहीं देना, उसके अंदर कोई इनकम लिमिट भी नहीं है। कई लोगों को लगता है कि हमें EW सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा या इनकम सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा, कोई सर्टिफिकेट लेके जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको दिल्ली के रेजिडेंट होने का प्रूफ दिखाना पड़ेगा, दिल्ली का रेजिडेंट होना जरूरी है, बाकी कोई प्रूफ नहीं चाहिए, सभी के लिए मुफ्त कर दिया गया। दूसरी चीज, अगर आप भगवान महावीर हॉस्पिटल में जाते हैं या LNJP हॉस्पिटल में जाते हैं या पंत हॉस्पिटल में जाते हैं, दिल्ली सरकार के किसी भी अस्पताल में आप जाते हैं और आपको डॉक्टर साहब कहते हैं ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ऑपरेशन की डेट मिलती है 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद या 2 साल बाद, अगर बीमारी इतनी है तो 2 साल में कितनी हो जाएगी, 2 साल में तो इतनी हो जाएगी, और 2 साल बाद पता नहीं वो मरीज है या नहीं है ये भी नहीं पता लगेगा, या ऑपरेशन एक करना पड़ेगा कि 3 करने पड़ेंगे ये भी नहीं पता लगेगा। अब दिल्ली सरकार ने फैसला किया है, अगर दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में आप लोग जाते हैं, डॉक्टर साहब ने आपको चेकअप किया, आपको कोई गंभीर बीमारी है कि जी आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, और डेट 1 महीने के अंदर अंदर दे दो, ठीक है कि आपका 1 महीने में ऑपरेशन वहीं पे अस्पताल में हो जाएगा, तो अच्छी बात है। अगर 1 महीने से बाद की डेट दी, 2 महीने की दी, 6 महीने की दी, 2 साल की दी, तो हम दिल्ली के 48 बड़े बड़े अस्पताल हैं जो NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल हैं, जो दिल्ली के फेमस हॉस्पिटल हैं, जिसका भी आप नाम लेंगे सारे लिस्ट में है, वो लिस्ट आपको, हम तो चाह रहे थे कि भाई अखबार में पूरा प्रिंट करा दें, परंतु 4-5 दिन से अखबारों के अंदर वो विज्ञापन नहीं छप रहे हैं कुछ किसी वजह से, तो छपवा नहीं पाए हैं, फिर भी हम वो हंस रहे हैं, उनको पता लग गया क्या कारण, पॉलिटिक्स चलती रहती है कोई बात नहीं, फिर भी हम चाहेंगे सोशल मीडिया के थ्रू आपको पूरी लिस्टें लगवा दें, भिजवा दें आपके पास, ताकि सबको पता लग जाए, कोई भी ऑपरेशन कराना है, अगर बाईपास सर्जरी भी है जिसके लाखों रुपए लगते हैं, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइएगा, वहां पर अपना ऑपरेशन कराइएगा, सारा का सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी 100%। उसके अंदर प्री ऑपरेशन कंसल्टेशन इंक्लूड है, ऑपरेशन इंक्लूड है, ऑपरेशन के बाद 1 महीने तक का फॉलोअप इंक्लूड है, और इवन पेशेंट का खाना भी रहना भी सब कुछ इंक्लूड है, तो सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी। परंतु कुछ लोग कह रहे हैं, अभी तो 2 ऑब्जेक्शन आ रहे हैं ज्यादा से, कहते भाई साहब काम तो अच्छा किया है पर इतना पैसा कहां से लाओगे ये बताओ, तो मैं उनको बताना चाहता हूं पैसे की कोई कमी नहीं है, दिल्ली सरकार ने पैसे की वजह से कोई काम आज तक रोका नहीं है, और हम तो बार बार कहते हैं पैसा पहले भी यही था, पहले नीयत अच्छी नहीं थी, अब नीयत अच्छी है, और वैसे भी आप देख लो यहां से हमने एलिवेटेड रोड बनाई है, जो एलिवेटेड रोड बनी है इसके अंदर 450 करोड़ रुपए बचाए हम लोगों ने, 450 करोड़, और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था जो पैसा बचा है वो सारा का सारा पैसा फ्री दवाइयां, फ्री टेस्ट और लोगों के इलाज में खर्च करना है, तो पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है। दूसरा ऑब्जेक्शन, मुझे हरियाणा से एक मित्र, उनका फोन आया, कहते जैन साहब काम तो केजरीवाल सरकार ने ऐसा कर दिया है जिसका हम सोच भी नहीं सकते थे, कोई डिमांड नहीं थी, आज तक किसी ने डिमांड नहीं की थी ऐसा काम कर दो, पूछा भी नहीं, सोचा भी नहीं था किसी ने, और हिंदुस्तान में आज तक किसी सरकार ने ऐसा काम किया भी नहीं है, कहते काम तो आपने ऐसा कर दिया है कि जिसका सोच भी नहीं सकते, कहते पर हमारे लिए नहीं करा। मैंने कभी देखो ऐसा है,
दिल्ली वालों के लिए कर दिया है, जब आप चुन लोगे तो आपके लिए भी कर देंगे। और वैसे भी भाई देखो, हमने रास्ता दिखा दिया, बाकी जितनी भी राज्य सरकारें हैं वो भी अपने प्रदेश में कर लें। हमने बता दिया ऐसे किया जा सकता है अपने नागरिकों के लिए, तो दिल्ली के नागरिकों के लिए हमने कर दिया है। बाकियों के लिए अभी कर पाना संभव इसलिए नहीं कि दिल्ली की आबादी कम है, पूरे देश की आबादी बहुत ज़्यादा है, और इतना फाइनेंस तो नहीं है कि हम इतना पैसा खर्च कर सकें। तो आप लोग एग्री हैं, दोनों चीज़ें ठीक है ना, कोई गलती तो नहीं कर रहे? तीसरी चीज़ और बता देता हूँ। अच्छा, जो लोग एग्री हैं हाथ खड़ा कर दो, ये जो काम कर रहे हैं अच्छा काम करें। चलो सारे अच्छा कर रहे हैं, पीछे कैमरे वाले जरा फोटो खींच लेना। ये कई कहें कि जो सरकार करती है गलत काम करती है। तीसरा काम, अगर दिल्ली की बाउंड्री के अंदर, दिल्ली की टेरिटरी के अंदर किसी का भी एक्सीडेंट हो जाता है, हुआ क्या था पिछले 6 महीने पहले की बात बताता हूं, 1 साल पहले की बात है, गांधीनगर में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। उस सिलेंडर ब्लास्ट के अंदर एक नौजवान 35 इयर्स की उनकी एज थी, वो किसी को बचाने के लिए जैसे आग लगी हुई देखी अंदर चले गए, उन्होंने कई लोगों को बचाया और अल्टीमेटली वो फंस गए आग में। जब उनको किसी अस्पताल में ले जाया गया तो वहां पे झगड़ा वही चलता है कि प्राइवेट अस्पताल में लेके जाते हैं कि पैसा कौन देगा, खर्चा बहुत होगा। अब उस चक्कर में उन्होंने सरकार में रेफर कर दिया, LNH पे लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल में उसको रेफर किया गया था। रात को मैं खुद गया था वहां पर, परंतु बड़ा दुखद रहा कि उनको ट्रांसफर करने में इन चक्करों में 4-6 घंटे बर्बाद हो गए। और जो इतना जिसने अपनी जान पे खेल के लोगों की जान बचाई, उसकी जान हम नहीं बचा पाए। तो मुख्यमंत्री जी ने मुझसे कहा था कि इसके लिए देखने की जरूरत है, अगर एक्सीडेंट होते हैं, अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि भी किसी का एक्सीडेंट हो गया, बेहोश है वो, तो उसको तो पता नहीं क्या है। अब पुलिस वाले या एम्बुलेंस वाले उसको दूर सरकारी अस्पताल में लेके जाते हैं। अब सरकारी अस्पताल में ले जाने के लिए ट्रैफिक जाम होता है, दिल्ली में सैकड़ों प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। तो अब दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि अगर किसी भी एक्सीडेंट विक्टिम को प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाएंगे तो उसके इलाज का खर्चा हम देंगे। हमारा एम ये है, देखो दिल्ली में 1600 से 1800 लोगों की डेथ होती है हर साल एक्सीडेंट से। हम चाहते हैं कि भाई 200-500, मैं कहता 2 लोगों की भी, एक की भी किसी जान बचे तो मुझे लगता है सरकार बनाना हमारे सफल होगा। हम सबकी जान बचाना चाहते हैं, और इसके अंदर एक्सीडेंट विक्टिम के साथ साथ एसिड अटैक विक्टिम और फायर, आग से जलने से जो भी विक्टिम है, उन सबका भी इसी स्कीम के अंतर्गत सबका फ्री में इलाज होगा। और इस वाली स्कीम के अंदर हम ये नहीं पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, आपका प्रदेश क्या है, देश क्या है, कोई भी हो, बस दिल्ली की बाउंड्री के अंदर एक्सीडेंट होना चाहिए, क्योंकि बेहोश है उसका तो पता नहीं लगेगा कौन है कौन नहीं है। तो ये हमने कई चीजें स्टार्ट की है। मैं तो ये चाहूंगा कि इसका प्रचार करने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है। अब जितने लोग यहां बैठे हैं, कम से कम हाथ में कितनी 5 उंगलियां होती है ना जी, और दोनों में 10 उंगलियां, तो जो 5 लोगों को बता दे तो 1 हाथ उठाना, जो 10 को बताएगा 2 हाथ उठा लेना। हाथ खड़े कर लो जी, सब बताएंगे ना, 10-10 लोगों को बता देना। देखो क्या होता है, पता नहीं कल किसके साथ ये ऐसा हो जाए, हादसा हो जाए, किसका बच्चा वहां पे हो उसको ना आपने एक पिछली बार पढ़ा होगा जनकपुरी में क्या हुआ था, एक एक्सीडेंट हुआ, उसको कोई अस्पताल नहीं लेके गया और उस वजह बेचारे की वहीं पर डेथ हो गई थी। तो मैं चाहता हूं कि दिल्ली के नागरिक इस बात का प्रण ले ले कि कोई भी आदमी अगर सड़क एक्सीडेंट होता है उसको बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दे। तो हम सब मिल के कितने लोगों की जान बचा सकते हैं। एक दो चीज़ और बताना चाहूंगा, जैसे पावर के अंदर पिछले 2 साल के अंदर दिल्ली के अंदर रेट नहीं बढ़े, पता है लोगों को दिल्ली में बिजली के रेट नहीं बढ़े, परंतु हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात सब जगह बढ़ गए। और हमने क्या कहा है, इस साल भी नहीं बढ़ने देंगे, 3रा साल है, इस साल भी नहीं बढ़ने देंगे, बाकी सब जगह रेट बढ़ गए हैं। आज दिल्ली के अंदर बिजली के रेट पूरे देश में रेजिडेंशियल बिजली के रेट सबसे कम है, ये हमारी एक सबसे बड़ी अचीवमेंट में से एक है। और 400 यूनिट तक हमने रेट वैसे ही आधे कर रखे हैं। मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ, कई बार पता नहीं लगता कि भाई सरकार कर क्या रही है, और मेरे साथ तो उल्टी कहानी होती है। सारे जो हमारे दोस्त बैठे हैं ना, MLA बैठे हैं, एक दिन मेरे ऑफिस में आ गए, कहते जैन साहब हमारी विधानसभा में आया करो। मैंने किस लिए, कि जो काम करते हो कम से कम कंप्लीट करने के बाद आ जाओ, मैं उद्घाटन करने नॉर्मली नहीं जाता, जैसे यहाँ भी आए हैं तो कंप्लीट करके आए हैं। भाई पॉली क्लिनिक बना दिया, स्टार्ट कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक 49 एक जगह से कर रहे हैं, 49 जगह जाने का टाइम नहीं है। हमने कहा ये आपने कर दिया, जनता को बता दिया काफ़ी है। ये कहते हैं ये हमारे पास काम कंप्लीट करके आ जाया करो। मैंने इससे फर्क क्या पड़ता है, कहते नहीं चिड़िया वाली और कौवे वाली कहानी सुनी है आपने? मैंने कौन सी? कहते आप तो चिड़िया की तरह काम करते रहते हो, बैठे हुए लगे रहते हो, काम ही काम, काम ही काम, और वहां पे कौवे मंडराते रहते हैं।
मैंने ये क्या कहानी है, कहते वहां पे कौवे आके कहते हमने कर दिया हमने कर दिया हमने कर दिया, बैनर लगा देते हैं पोस्टर लगा देते हैं कि हमने ये काम कर दिया हमने। मैंने है कौन ये लोग, कहते कौवे मीन्स कॉर्पोरेटर्स, नगर निगम के जो होते हैं ना, क्या नाम है, पार्षद या काउंसलर कहते हैं। तो मैंने, ये तो गलत बात है, मैंने कब कभी आ जाऊंगा, हमेशा तो नहीं आ पाऊंगा। तो अब कभी कभी चले जाते हैं, थोड़ा सा अखबार में बता देते हैं कि हमें ये काम कर चुके हैं। पीछे पत्रकार महोदय हमसे पूछ रहे थे कि जैन साहब आजकल तो धुआंधार उद्घाटन हो रहे हैं। मैंने काम कंप्लीट करके कर रहे हैं भाई, ऐसे तो नहीं कर रहे कि हम नारियल फोड़ के चले गए जी मिट्टी के ऊपर, ऐसा नहीं, बता दें। तो मुझे लगता है कि मान लेनी चाहिए थी मुझे पहले से ही, तो काफी सारे काम हम बता सकते थे कि हमने इतने सारे काम कर दिए हैं। एक काम और बताता हूँ, 20,000 लीटर पानी हमने मुफ्त कर दिया और दिल्ली के अंदर 12.5 लाख परिवार इसका फायदा उठा रहे हैं। इसके बावजूद 20,000 लीटर पानी मुफ्त किया और 178 करोड़ की हमारी कमाई बढ़ गई। देखो ये भी कमाल की बात है। एक काम और करने जा रहे हैं जो लोगों को अजूबा लगता है, वो हम करने जा रहे हैं, आरओ वाटर, आरओ क्वालिटी वाटर जो होता है ना, जो घर में आरओ लगाते हैं आप लोग, बचपन में टूटी से पानी पीते थे, 2 साल के अंदर दिल्ली के अंदर जो टूटी का पानी होगा टूटी से पीजिएगा आप, पूरी दिल्ली के अंदर आरओ क्वालिटी का पानी देंगे आपको पीने के लिए। आपको घर के अंदर आरओ मशीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको हम करने के लिए जा रहे हैं और जल्द से जल्द इसको 2 साल के अंदर पूरी दिल्ली में हम करके दिखा देंगे। तो ये हम कई सारे काम करने जा रहे हैं, दिल्ली सरकार दिन रात आपकी सेवा में हाजिर है, काम कर रही है। एक काम और बता देता हूँ, काम तो बहुत सारे हैं, छोटा सा बता देता हूँ, यहाँ पे कई सारे सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि जल्द दिल्ली सरकार, उससे पहले महिलाओं की बता देता हूँ, महिलाएं बहुत इधर बैठी हैं। देखो महिलाएं जितनी भी है ना, सारी महिलाओं के लिए DTC बस पास हम 250 रुपए का करने जा रहे हैं। वैसे DTC में जाती नहीं, महिलाएं कम जाती हैं, पर 250 रुपए का पास हो तो मिलके जा सकते हैं, कभी कभी 250 रुपए में चले जाओ। और जितने भी लोग 20,000 रुपए महीना तक कमाते हैं, जो कि मतलब जो छोटी छोटी नौकरियां करते हैं, उनके लिए भी 250 रुपए का करेंगे। और जितने सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन के लिए बस पास मुफ्त करेंगे हम लोग, बिल्कुल मुफ्त। अब लोग पूछते हैं मुफ्त क्यों कर रहे हो जी, हम ये कहते हैं देखो आप भी 60 के हो जाओ आपके लिए भी करेंगे। और वैसे भी देखो जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं सभी अपने बुजुर्गों को सम्मान देते हैं और लोकल ट्रांसपोर्ट ज्यादातर कंट्रीज में फ्री है, तो हमें भी कम से कम DTC बसेस को अपने सीनियर सिटीजन के लिए मुफ्त करना चाहिए, जल्दी इसको मुफ्त कर देंगे। एक काम और करेंगे, बच्चे भी हैं 21 साल तक के स्टूडेंट्स, जो बच्चे पढ़ रहे हैं 21 साल तक के हैं, उन सबको मुफ्त करेंगे। उसका भी कारण बता देता हूं आपको, कारण जरूर बताना चाहिए, नहीं तो पता क्या कहेंगे, सब कुछ लुटा देंगे जी, इनका एक बहाना चलता है सब कुछ लुटा देंगे, सब लुटा देंगे। अरे भाई साहब लुटा किसके ऊपर देंगे, अपने ऊपर तो नहीं लुटा रहे, जनता का है, जनता के साथ ही जनता का पैसा वापस कर रहे हैं। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, कोई टैक्स नहीं बढ़ाया, इधर व्यापारी बैठे इनसे पूछो, एक पैसे का टैक्स नहीं बढ़ाया आप 3 साल के अंदर, बल्कि टैक्स कम किया है। और कोई लोन नहीं लिया, ये भी नहीं कि हम कर्ज लेके काम कर रहे हो, बाकी सरकारें कर्ज लेके करती है, हम कर्ज भी नहीं ले रहे। हम जो बच्चों के लिए कर रहे हैं उसका कारण है, जो मैंने अभी बताया था 1600 से 1800 लोगों की डेथ होती है एक्सीडेंट में, सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं, 24 साल से छोटे बच्चे होते हैं मैक्सिमम जिनकी डेथ होती है। हम चाहते हैं कि अगर उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की आदत पड़ जाए तो हो सकता है कि कुछ जाने इससे बच सके हमारी, और उनको आदत पड़ेगी तो दिल्ली में पॉल्यूशन भी कम होगा, ट्रैफिक भी कम होगा, लोगों को अब तो ऐसा हो गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई घुसना ही नहीं चाहता, हर आदमी कहता है मैं अपनी गाड़ी में ही चलूंगा या अपनी मोटरसाइकिल भी चलूंगा। 18वां साल जब होता है बस डे के ऊपर, या तो मोटरसाइकिल मिलती है या कार मिलती है, हमें लगता है 3 साल बाद मिल जाएगी, तो दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक कम हो जाएगा। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, इसलिए हम ये स्कीम ला रहे हैं, नहीं तो लोग कहेंगे ये तो मुफ्त में सब कुछ बांट रहे हैं। और एक चीज बताता हूँ, इसमें एक पैसा भी नहीं लगेगा सरकार का, नॉट इवन ए सिंगल रूपी। कारण कि हमारी बसें तो पहले से चल रही हैं, अभी हम 3,000 बसें और लेके आने वाले हैं, उनमें चलने के लिए लोग भी तो चाहिए। अगर खाली बसें चलाते रहेंगे इससे अच्छा भर के चली जाएं, उसके अंदर लोग बैठ के चले जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी बसों के अंदर भीड़ भाड़ बहुत कम है, तो इसके लिए हम इसको फ्री करने जा रहे हैं या कम रेट के ऊपर करने जा रहे हैं। और भी बहुत सारी स्कीमें हैं जिनको हम टाइम टाइम से बताते रहेंगे आपको, परंतु हेल्थ सेक्टर के अंदर मैं अपने पूरे डिपार्टमेंट का, DG साहब यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर पुनीता महाजन है, बाकी सारे डॉक्टर्स हैं, खासतौर से भगवान महावीर के स्टाफ का डॉक्टर अलका बैठी है यहाँ पर, और जो पॉली क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर्स हैं, इन सबका दिल से, तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ कि दिल से ये काम कर रहे हैं। और साथ साथ ये भी बता देता हूँ, सरस्वती विहार में जो डिस्पेंसरी है उसको भी आज से पॉली क्लिनिक में कन्वर्ट कर दिया गया है।
तो उसको भी बता दीजिएगा, मैडम आज से कर दिया ना, वो भी कर दिया है। तो पॉलीक्लिनिक दो कर रहे हैं आज हम, एक नहीं दो पॉलीक्लिनिक कर रहे हैं और 49 मोहल्ला क्लिनिक यहाँ से उद्घाटन कर रहे हैं। और सभी ने मिलकर इतनी स्ट्रेंथ दी है कि दिल्ली का जो हेल्थ केयर सिस्टम है इसकी तारीफ आज सारी दुनिया कर रही है। पीछे मैं एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में गया था तो अमृत सेन जो नोबेल प्राइज विनर है हमारे देश के, उनसे मेरी 2 घंटा मुलाकात हुई थी और इसके ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ था। उन्होंने भी कहा था कि जिस डायरेक्शन में दिल्ली जा रही है तो मुझे लगता है पूरे देश को इसको कॉपी करना चाहिए और संसार के अंदर भी कई देशों ने इन चीज़ों के बारे में इंक्वायरी स्टार्ट की है, पता कर रहे हैं कि भी मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट क्या है, पॉली क्लिनिक का कॉन्सेप्ट क्या है। तो मुझे सबसे बड़ा गर्व इस बात का है कि शकूर बस्ती के जितने भी लोग हैं उन लोगों ने मुझे इतनी स्ट्रेंथ दी है कि मैं जनता के लिए काम कर सकूं, इतना फेथ रखा है मेरे ऊपर। और मैं फिर से कहूंगा कि जो अभी कॉरपोरेशन के इलेक्शन आ रहे हैं तो मुझे कम से कम मेरे असिस्टेंट 3 असिस्टेंट दे दीजिएगा ताकि मेरे बर्डन थोड़ा कम हो जाए, लोकल काम होगा। तो एक बार खड़े होकर शक्ल दिखा दो अपने तीनों, देखो ये देशराज जी हैं, सिमी जी हैं और सपना जी हैं, इन तीनों का ध्यान रखना ताकि मैं अपने जो लोकल काम है सारे इनके जिम्मे लगा सकूं। और अगर आप कोई काम बताएंगे इनके कान पकड़ के मैं करवा दूंगा, बाकी पार्टी वालों को मैं पकड़ नहीं सकता तो इनके कान पकड़ के भी काम करा लेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ऑनरेबल HM सर, आपने हमारी दिल्ली को